मौका प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। जो व्यक्ति उस मौके का फायदा जितने जल्दी और समझदारी से ले लेता है, उसको ही जीवन में सफलता मिल पाती है। और जो व्यक्ति उस मौके को गवा देता है, उसे जीवन में सफलता मिलनी मुश्किल हो जाती है। तेनाली रामा अपनी बुद्धि और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सदस्य नहीं थे। एक बार जब राजगुरु नगर में भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने राजगुरु से दरबार में सम्मिलित होने और मनोरंजन करने का अनुरोध किया। तेनाली रामा ने अपनी लिखी हुई कुछ हास्य पंक्तियाँ भी उस राजगुरु को दिखाईं। राजगुरु ने उन्हें कह दिया, ठीक है, मैं महाराज से बात करूँगा। कई हफ्ते बीतने के बाद भी राजगुरु का कोई भी जवाब तेनाली रामा के पास नहीं आया। तब फिर तेनाली रामा ने खुद राजगुरु से मिलने का फैसला किया। जब राजगुरु ने उन्हें देखा, तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि रमन ने उनकी बातों को इतनी गंभीरता से लिया और मिलने भी आ पहुंचा। उस समय तो राजगुरु ने रामा को टाल दिया, लेकिन रामा हार मानने वालों में से नहीं था। वह बस राजा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक छोटे से मौके का इंतजार कर रहा था। अगले दिन रमन दरबार में पहुंच गया, जहां एक प्रसिद्ध जादूगर राजा और उसके दरबारियों का मनोरंजन कर रहा था। खेल के अंत में जादूगर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को चुनौती दे दी कि अगर कोई भी आकर उसे हरा दे, तो वह उसका गुलाम हो जाएगा। कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। यह देख राजा को शर्म आ गई। तभी तेनाली रामा ने खड़े होकर घोषणा की कि वह जादूगर को चुनौती दे सकता है। राजा ने रामा को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम जादूगर को हरा दोगे, तो तुम्हें सोने से भरा एक थैला उपहार में दिया जाएगा। दूसरे दिन जब रामा दरबार की ओर जा रहे थे, तभी उस जादूगर ने रामा को देखकर कहा, रामा, तुमने चुनौती स्वीकार कर बहुत गलत किया है। तुम्हें सोने से भरी थैली तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुम्हें एक रेत से भरी थैली जरूर देता हूँ। जब भी तुम इसे देखोगे, तो तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। और हंसकर वह वहां से चला गया। दरबार में रमन ने उस जादूगर से कहा, क्या जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ, तो क्या वो काम तुम खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर बिना सोचे समझे सहमत हो गया। रामा ने वही रेत वाली थैली निकाली, अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों पर रख दी। जादूगर ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी आंखों के अंदर रेत नहीं डाल सकता है। ऐसा देखकर राजा रमन से बहुत खुश हुए और उन्हें एक सोने से भरी हुई थैली उपहार स्वरूप दी। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त भी कर लिया गया। दोस्तों, इस प्रकार तेनाली रामा ने उस अवसर का उपयोग किया, जिसे उस जादूगर ने मात्र मजाक में रेत के रूप में दिया था। इसलिए हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। जो लोग आशावादी होते हैं, वे कठिनाई में भी अवसर देख लेते हैं, और जो निराशावादी होते हैं, वे अवसर में भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ ढूंढ ही लेते हैं और उस अवसर को त्याग देते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप अवसर को किस प्रकार से लेते हैं। उसे आप एक आशा समझते हैं या फिर एक निराशा के रूप में उसे लेकर उसके नकारात्मक पहलुओं पर विचार करते हैं। मेरा मानना तो ये है कि आपको जो भी अवसर मिले, उसमें आशावादी होकर उस काम को शुरू कर दें। अक्सर ऐसे ही कार्य आपके लिए बहुत बड़ी सफलता हासिल करके देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।